Now we are discussing about what is matrix. A matrix is an ordered rectangular array collection of numbers. So we have explained it through by an example, that is x representing a, b, c, d in a bracket form, that is the form of representing a matrix. तो यहाँ पे हमारा एम एन एन है जो हमारा रोज एंड कॉलम्स डिनोट करता है. जब हमारे रोज और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, व्हेन दे आर इक्वल टू ईच अदर, वी कॉल इट एज स्क्वायर मैट्रिक्स. हियर ए बी सी डी आर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स. जैसे कि एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज जो हम हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम वर्टिकल वेज में रिप्रेजेंट करते हैं. The X here, it denotes as a matrix. It represents a matrix. Now, this was an example of square matrix where the rows and columns were 2 into 2. It is a form of representation of numbers. Then we will move forward. We have another example of square matrix where 3 rows and 3 columns are there. It is represented by this. Here, I have already explained A, B, C, D. ये सब हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं. नाउ हम नेक्स्ट में जाएंगे, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक दूसरा फॉर्म है मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ पे हम या तो दो तीन चार, हम कितने भी रोज ले सकते हैं और कितने भी कॉलम्स. बट यहाँ रोज एंड कॉलम्स विच रिप्रेजेंटेड एज एम एन एन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. और यहाँ पे जो वो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड है दैट आर रोज, एंड जो वर्टिकली रिप्रेजेंटेड है दैट आर कॉलम्स. नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज विच इज हॉरिजॉन्टली अलाइंड दिस वे, दिस आर द नंबर ऑफ रोज, एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज अलाइंड वर्टिकली. सो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हम उस रिप्रेजेंटेशन को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. लाइक दिस इज अ फॉर्म ऑफ टू रोज एंड टू कॉलम्स. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हियर एम एन एन आर इक्वल टू ईच अदर. सो this is a square matrix. Now further I will like to explain you a rectangular matrix. Rectangular matrix वो matrix है जहाँ पे number of rows और number of column एक दूसरे के equal नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये example है, यहाँ पे हमारे जो rows है वो 3 है and जो columns है वो 2 है. तो ये एक दूसरे के equal नहीं है mn और n, तो हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. ये आइदर वेज में रिप्रेजेंट हो सकता है. नेक्स्ट फॉर्म इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इट इज अ फॉर्म ऑफ डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर इक्वल और वी कैन से आर द सेम. लाइक हम इसका जो वेरिएबल है वो डायगनली रिप्रेजेंटेड है, या तो ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, बट ये सारे नंबर सेम होंगे. ठीक है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नेक्स्ट है हमारा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर यूनिटी. यूनिटी मीन्स दैट इज वन. मतलब ये एक तरह का डायगनल मैट्रिक्स भी है, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायगनल स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी नंबर हो सकता है, ए कैन बी वन टू इनफाइनाइट, कोई भी नंबर हो सकता है. बट यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा ये स्केलर डायगनल मैट्रिक्स ही है, बट ये वन होगा, यहाँ पे वन जीरो से रिप्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स में सारे वेरिएबल्स, सारे मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो होते हैं. नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा आता है, फर्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि सिंपल एडिशन होता है, बिल्कुल सिंपल वे में जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं, वैसे ही मैं दो मैट्रिक्स को हम नॉर्मली ऐड करेंगे. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो के और फर्स्ट रो की एडिशन होगा, आप समझ रहे हैं. जैसे फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स को हम नॉर्मल ऐड करेंगे, वन प्लस फाइव.
ठीक है, फिर हम 7 + 7 करेंगे, फिर हम 3 + 8 करेंगे, ठीक है, फिर हम 4 + 9 करेंगे, 8 + 4 करेंगे और 2 + 3 करेंगे। तो इस वे में हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं और ये हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। ऐड करने के बाद हम इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देन आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जो सिमिलरली एज एडिशन सेम एज सब्ट्रैक्शन, बट हमें इतने साइंस देखने होंगे। अगर हमारा 1 - 5 है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट हम एलिमेंट देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फिर उनका करेंगे तो ये आएगा। तो ये भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा और फिर हम साइंस देख के आप फर्दर भी ऐसे कर सकते हैं, सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। स्केलर नंबर एनी वेरिएबल हो सकता है जो हम नॉर्मली अगर हम ऐसे कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है जो किसी भी उसमें हो सकता है, एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो सकते हैं। तो हम इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। नॉर्मली ऐसे आपको एक एक रो के मैट्रिक्स एलिमेंट्स के साथ मल्टी